हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे बॉटनी के लिए कमेंट करते रहते हैं, तो काफी वीडियोस हमने बना दी हैं और कुछ और भी छूटी हुई वीडियोस बनाने की कोशिश है ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद हो पाए। ठीक है, तो तीन नंबर जो छोटा क्वेश्चन होता है, उसमें कई सारे क्वेश्चन हैं जो टिप्पणी टाइप में आ जाते हैं, उन सभी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है सिट्रस कैंकर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, कई बार ये पूछा जाता है, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल आसान है। ये किसके द्वारा फैलता है? जेंथेनोमोनस सिट्री बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है। इसकी स्टडी सबसे पहले चाइना में करी गई। यह बैक्टीरिया इंडिया, चाइना, जापान ईटीसी में सिट्रस प्लांट्स को बहुत अधिक हानि पहुंचाता है सर। ठीक है, तो पौधों के लिए खतरनाक। आज पहली बात, बॉटनी का मतलब ही क्या यार, वनस्पति। तो जितने भी लोग हम लोग जितनी भी आज हम लोग पढ़ेंगे रोग, ज्यादातर वो क्या, भिंडी का रोग होता है बड़ा पूछा जाता है, बैगन का रोग होता है बड़ा पूछा जाता है, ये सारी चीजों के बारे में आज बातचीत करेंगे। तो ये ब्रांचेस, फ्रूट्स, लीव्स यानी पत्तियां वगैरह, शाखाएं सबको प्रभावित कर देता है। होता क्या है, लीव्स पर धब्बे यानी पत्तियों के ऊपर स्पॉट्स आ जाते हैं। ठीक है भाई, और हाँ, अगर किसी का पेपर जल्दी हो तो कोई आप कमेंट कर दिया करिए कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, तो हम उस पर पहले वीडियो बना देंगे भाई। ठीक है, जो बड़े होते जाते हैं रेनी वेदर में ये बहुत तेजी से फैलते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं सिट्रस कैंकर के बारे में। इसकी पूरी पीडीएफ हम डाल देंगे कहां पर, बीडी केडियन बीएससी टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगी आपको। ठीक, उसके बाद येलो बीन मोजाइक ऑफ भिंडी, सरल भाषा में भिंडी का पीला सिरा मोजेक रोग। भिंडी पीली हो जाएगी, साइज में छोटी हो जाती है भिंडी, बहुत बड़ी नहीं, तो सारी चीजें यहां पर हमने लिख दी है। यह क्या होता है, येलो बीन मोजाइक वायरस के द्वारा फैलता है, से प्रोड्यूस होता है। यह व्हाइट फ्लाई, व्हाइट फ्लाई क्या होती है, सफेद मक्खी, और साथ में लिखा हुआ है लीफ हॉपर। लीफ हॉपर क्या होता है, एक तरीके से टिड्डे तरीके से हरा हरा होता है ये, जो जो सब्जियां वगैरह हैं वहां पे पाया जाता है सर। ठीक है, द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। इस रोग में लीफ्स येलो, पत्तियां इसकी भी पीली पड़ जाती हैं, फ्रूट छोटे छोटे हो जाते हैं तथा यानी फल इनके जो है वो छोटे हो जाते हैं तथा इनका जो कलर है वो पीला हो जाता है। इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक, हम आपको पीछे बता चुके हैं इंसेक्टिसाइड क्या होता है, तो इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक के छिड़काव द्वारा इसे कंट्रोल कर सकते हैं तथा रोग प्रतिरोधी स्पेसीज बो सकते हैं, यानी साथ में ऐसी प्रजातियों को हम लोग बो देते हैं जो रोगों को खत्म करती हो, रोगों को कम करती हो, तो उससे क्या होता है, उससे इस तरीके की बीमारी फैलने से बच जाती है क्योंकि ये वायरस डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है भाई, क्वारंटीन क्या होता है, ये वर्ड बड़ा सुनने को मिला लोगों को, क्वारंटीन क्या होता है, तो लोगों को अलग कर दिया जाता है, लोगों को अलग करते हैं वैसे लोगों का क्वारंटीन है, उसी तरीके से पेड़ पौधों को अलग कर देते हैं तो पेड़ पौधों का क्वारंटीन होता है। वो क्या होता है समझाते हैं आपको, यह एक लीगल प्रोसेस है जिसके माध्यम से डिजीज्ड प्लांट एवं सीड्स की ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, मान लिया जैसे भारत में ही कई ऐसे पौधे हैं जो क्या हुआ, अभी तो मान लिया एक्ट बना दिए, एक्ट का मतलब क्या, आप ना तो ऐसे पौधे ट्रांसपोर्ट करेंगे ना एक्सपोर्ट करेंगे जिनमें पहले से बीमारी हो। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कुछ भी ट्रांसपोर्ट कर दिया, अब उससे पता चला एक जगह से दूसरे, भारत में भी कई पौधों में ऐसी बीमारियां जो बाहर से आए हुए पौधों से हुई, ये रियलिटी है। तो उसी वजह से क्या हुआ, सभी कंट्रीज ने प्लांट क्वारंटीन एक्ट बनाए हैं जिनके अनुसार क्या होता है, मटेरियल को केवल तभी एक्सपोर्ट कर सकते हैं जब कोई भी जो मटेरियल है उसे तभी एक्सपोर्ट कर सकते हैं जब इंपोर्ट करने वाली कंट्री जो है सर्टिफिकेट देगी कि भेजा जाने वाला जो मटेरियल है वो कंप्लीटली हेल्दी है, सही पौधा होगा तभी आप भेज सकते हैं। हमारे इंडिया में 16 क्वारंटीन सेंटर स्थापित किए गए हैं, पहले बहुत से देश जानबूझकर ये देखिए डिजीज्ड प्लांट एक्सपोर्ट किया करते थे, और आगे आप लिख सकते हो भारत में भी कई ऐसी प्रजातियां हैं पौधों की जिनमें जो बीमारियां हैं वो इसी वजह से हैं क्योंकि जब वो बाहर से भेज आए तो उनमें पहले से वो बीमारियां थी सर। ठीक है, उसके बाद होता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिजीज। ठीक, ब्रिंजल मतलब बैगन होता है, पत्तियां वगैरह इसकी छोटी हो जाती हैं, और ये और में भी होता है, टमाटर में हो जाता है, आलू में हो जाता है, इन सब में ये रोग हो जाता है। तो यह रोग एमएलबी, एमएलबी का मतलब माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडीज द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें प्लांट्स की लीफ छोटी होती जाती है तथा फ्रूट्स का डेवलपमेंट नहीं होता है। ब्रिंजल के अतिरिक्त यह टोमेटो, पोटैटो, तंबाकू, ठीक है, तंबाकू वगैरह की जो पत्तियां उनमें सब में ये हो जाता है भाई। ठीक है, इससे बचाव के लिए भाई कीटनाशक का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, साथ में प्रतिरोधी के यानी भाई ऐसी स्पेसीज को साथ में उगाइए जो इस बैक्टीरिया को खत्म करती रहे और आपकी बाकी की फसल बची रहे।
मोजेक डिजीज ऑफ तंबाकू, ठीक, तंबाकू का मोजेक रोग क्या होता है यह भी पूछ लिया जाता है। तो यह वायरस द्वारा प्रोड्यूस होता है जिसका कारण टीएमबी का नाम है टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है, इसके द्वारा यह प्रोड्यूस होता है। यह वायरस रॉड के शेप का होता है जो लगभग 300 नैनोमीटर लंबा तथा 15.8 नैनोमीटर डायामीटर का आरएनए वायरस होता है। आरएनए के चारों ओर प्रोटीन कवर होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। इसमें लीव्स का कलर गायब होने लगता है यानी रंगहीन हो जाती है पत्तियां तथा पूरी पत्ती पर येलो स्पॉट्स दिखने लगते हैं। रोग बढ़ जाने पर लीव्स डीफॉर्म्ड तथा प्लांट की हाइट कम रह जाती है, ठीक है भाई। तो ये इस पूरी यूनिट से जितने भी रोग इंपॉर्टेंट थे वो हमने सारे के सारे आपको बना दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपके ये बहुत काम के हैं। इसकी पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम BDKDNBSC पे, और बाकी बॉटनी अभी तक हमने जितनी भी पढ़ाई है, जितने भी नोट्स आप तक पहुंचाए हैं, उसकी पूरी पीडीएफ हमने आज ही डाली है। ये वीडियो जब हम बना रहे हैं, आज 27 तारीख है, पब्लिक कब होगी पता नहीं चल, ठीक है, क्योंकि हम पहले ही शूट कर लेते हैं, उसके बाद में वीडियोस फिर पब्लिक करते रहते हैं समय के अकॉर्डिंग। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बाकी पूरी बॉटनी की पीडीएफ पड़ी हुई है उसे आराम से देखिए, उसके आगे यहां से कंटिन्यू कीजिए या नाम डाल के आगे ही बढ़ा देंगे। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।